प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट के हर एक जयंती समारोह का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी शीर्ष अदालत की हर एक जयंती पर नागरिक केंद्रित सूचना और प्रौद्योगिक पहल की शुरुआत करेंगे। शीर्ष अदालत की नई वेबसाइट भी लॉन्च करेंगे। इस मौके पर वह एक सभा को भी संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत के जीवंत लोकतंत्र को मजबूत किया है। भारत की आज की आर्थिक नीतियाँ ही कल के उज्ज्वल भारत का आधार बनेंगी। आज भारत में जो कानून बन रहे हैं वे कल के उज्ज्वल भारत को और मजबूत करेंगे। मैं उन समस्याओं से भी अवगत हूँ जिनका सामना आप सभी वर्तमान सुप्रीम कोर्ट भवन में कर रहे हैं। पिछले हफ्ते सरकार ने सुप्रीम कोर्ट भवन परिसर के विस्तार के लिए 800 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी थी। साथियों, आज भारत की हर संस्था, हर संगठन, कार्यपालिका हो या विधायिका, अगले 25 वर्षों के लक्ष्यों को सामने रखकर काम कर रही है। इसी सोच के साथ आज देश में बड़े बड़े रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं। भारत की आज की आर्थिक नीतियां कल के उज्ज्वल भारत का आधार बनेगी। भारत में आज बनाए जा रहे कानून कल के उज्ज्वल भारत को और मजबूत करेंगे। साथियों, देश की पूरी न्याय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों और मार्गदर्शन आपके गाइडेंस पर निर्भर होती है। ये हमारा कर्तव्य है कि इस कोर्ट की एक्सेप्टेबिलिटी भारत के अंतिम छोर तक हो और इससे हर भारतीय की आवश्यकताएं पूरी हो सके। इसी सोच के साथ कुछ समय पहले ई कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को स्वीकृति दी है। इसके लिए दूसरे फेज से 4 गुना ज्यादा राशि को मंजूरी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, टॉप स्टोरी न्यूज़।